जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक हो? आज मैंने अभी वीडियो में लिख रहा हूँ, जो कि आज वीडियो मैंने रीजनिंग का बनाया था, उसमें अच्छे से समझा दिए, लेकिन फिर भी मैंने एक और वीडियो लेकर आया है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं करूँगा क्या। ठीक है, मैं उन सब बच्चों के लिए मैं एक वीडियो स्पेशल लेकर आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आप सब सपोर्ट करिए, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो में हम आप सबको समझाने वाला हूँ। देखिए, जो बच्चा बीए कर रहा है, स्पेशल ये खासकर बीए वाले स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, ये स्पेशल, ठीक है, जिसका ऑनर्स सब्जेक्ट हिस्ट्री है। अभी मैं दो पार्ट में बताने वाला हूँ, जिसका ऑनर्स सब्जेक्ट हिस्ट्री है, क्या है ऑनर्स, ऑनर्स सब्जेक्ट हिस्ट्री है। मैं उन सब बच्चों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले तो आप सब के लिए एक 22 से 25 वाले हैं, पर्चा फार्म निकल चुका है, जो कि 12 अप्रैल तक इसका लास्ट शुरू में अब निकला है। 12 अप्रैल तक, 12 अप्रैल से एग्जाम फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका वेबसाइट जो है शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अभी लिंक इसका चालू नहीं है। ठीक है, लिंक आपको जहाँ तक उम्मीद है कि 14 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्म को भर देना, 22 से 25 वाले पार्ट टू का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही फॉर्म भरा जाएगा तो बाबू आप सबके लिए अप्रैल में ही एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। ठीक है, अप्रैल में एग्जाम कंडक्ट कराएगा और जून में आप सबके लिए रिजल्ट घोषित कर देगा। ठीक है, सबमिट कर देगा। ठीक है, जैसे ही 25 वाले में आओगे तो 25 वाले में आप सबके लिए, 25 वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप सबके लिए मार्च में क्या करेगा, मार्च में एग्जाम कंडक्ट कराएगा, मार्च में एग्जाम कंडक्ट कराएगा आप सबको। और कहने का देखिए, हाँ, मार्च में एग्जाम कंडक्ट कराएगा, जून में, मार्च, जून, जुलाई, जुलाई में आप सबके लिए क्या कर देगा, जुलाई में रिजल्ट दे देगा। जैसे ही जुलाई में आप सबको रिजल्ट देगा ना, ये 25 वाला यानी बीए पार्ट थ्री, ये पार्ट थ्री का है, ये बीए पार्ट थ्री का है। जैसे ही आप सबका रिजल्ट घोषित कर देगा, उसी प्रकार से उसके बाद में 10-15 दिन चाहे एक मंथ में आप सबको बीएड का फॉर्म निकलेगा। किसका? द बीएड। ठीक है, इसका निकलेगा बीएड, बीएड का फॉर्म निकलेगा। ठीक है, जैसे ही बीएड का फॉर्म निकलेगा, आप सब उस फॉर्म को फिलअप करना, यानी अप्लाई कर देना। यहाँ पर मैंने बता रहा हूँ, अप्लाई कर देना, जहाँ तक उम्मीद है कि 30 से 50 हज़ार, 30 से 50 हज़ार, 30 से 50 हज़ार सेटें निकल कर आती है, यानी मान कर चलो कि 15 से 20 हज़ार बच्चों गवर्नमेंट स्कूल के लिए आती है, और 30 से 40-50 हज़ार जितना भी होता है, जितना भी आगे होता है, 30 से 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार, वो टोटल प्राइवेट कॉलेज के लिए होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज तो हर किसी बच्चों को मिल जाती है, हर किसी जो सपना देखता है बीएड करेगा, उन सब सभी का सपना पूरा होता है प्राइवेट स्कूलों से। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल वो होती है जो कि बहुत कम बच्चों की सपना होती है कि मुझे गवर्नमेंट लेनी है, तो उनसे गवर्नमेंट नहीं निकल पाती है। ठीक है, उन सब खास मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ और बच्चों को समझा रहा हूँ। ठीक है, जो गरीब फैमिली से होता है वहीं सरकारी कॉलेज और सरकारी यूनिवर्सिटी लेने का तथ्य पर आता है। ठीक है, जैसे ही ग्रेजुएशन समाप्त होगा, उसी प्रकार से बीएड का फॉर्म डाल देना और गवर्नमेंट स्कूल लेने के लिए तत्पर रहना, तो मुझे कितना भी क्यों ना पढ़ना पड़े, आज हमको गवर्नमेंट स्कूल लेना है और बीएड करना है मुझे, और मास्टर बनना है। ठीक है, अगर जो जिसका सपना है मुझे बीएड करना है, वो बीएड कर सकता है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ में अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो इसको, तब अवसर गवर्नमेंट निकलेगा। गवर्नमेंट निकालना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, कहने का मतलब है कि देखिए, कहते हैं ना कि लोग जितना खाने में मजा होता है उतना, जितना खाने में मजा होता है उतना खाना पकाने में मजा नहीं आता। ठीक है, इतना दर्द होता है खाना पकाने में ना, जब रोटी कोई सेकता होगा ना आगे पर, तो उन्हें ना जाने कितनी बार हाथ जलती होगी, और खाने वाले को तो मजा आता ही है, और थोड़ा सा अगर नमक बेसी और कम हो जाता है ना भाई, तो लोग उन्हें डांटते हैं कि कैसे खाना बना है, और दर्द उनका नहीं समझा कि किस प्रकार से वो खाना बनाता है चूल्हे पर, तो बहुत परेशानियाँ आती है मेरे दोस्त।
ठीक है, जिनके जो स्टूडेंट यूपीएससी बीपीएससी कोई भी अगर लाइफ में कोई भी बड़ा कोर्स तैयारी करता है, जैसे एफकेट हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे कोर्स है, ठीक है, बीटेक हो गया, बीएड हो गया, एमए हो गया, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है, एमबीए हो गया, एमएससी हो गया, ठीक है, अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, और अगर उनके सफलता की कहानी, सक्सेस इन स्टोरी, अगर सफलता की कहानी के बीच में अगर बाधा पड़ने लगा, बाधा करने का मतलब है कि घर पर कोई आक्रोश आ गया, घर पर कोई मान कर चलो कि संकट आ गया, तुम्हारे ऊपर संकट आ गया, ये समझना कि मेरी सफलता की ओर मैं जा रहा हूँ, तुम ये समझना कि मैं सफलता की ओर जा रहा हूँ, मैं कितना भी क्यों ना संकट में पढ़ूँ, फिर भी मैं अगर मेरे अंदर संकट आ गया, अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं सफलता की ओर जा रहा हूँ, ठीक है, उस समय अगर कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर संकट आ गया तो उस समय मत भागना, अगर भाग गया तो तुम्हारा खलास, अगर नहीं भागा तो तू सफलता की ओर चला गया, ठीक है। भगवान यही कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा, ठीक है, इस बात को समझना। तो बीएड करो, बीएड के बाद जैसे ग्रेजुएशन समाप्त होगा, बीएड का अप्लाई कर देना, इसका एग्जाम एक मंथ में, एक से दो मंथ में एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, ठीक है, एक से दो मंथ में एग्जाम कंडक्ट करा लेता है, और बीएड निकालो। अगर बीएड निकालने की सपना नहीं है, अगर हमें एमए करना है, क्या करना है, एमए, तो मैं एमए के लिए भी बता रहा हूँ, देखिए एमए हिस्ट्री से जिनको करना है, जो बच्चा एमए हिस्ट्री करना चाहता है, एमए अगर मान कर चलो कि बीए में उनका ऑनर्स सब्जेक्ट जो है वही कर सकते हैं, इसमें चेंज नहीं कर सकता, कोई चेंज रूल नहीं है, ठीक है, इसमें अगर जिसका हिस्ट्री है हिस्ट्री करेगा, साइकोलॉजी है साइकोलॉजी करेगा, फिलोसफी है फिलोसफी करेगा, हिंदी है हिंदी करेगा, पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल साइंस करेगा, ज्योग्राफी है ज्योग्राफी करेगा, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स करेगा, इंग्लिश है इंग्लिश करेगा, जो है वो करेगा, और ऑनर्स विषय जो है वही करेगा, उर्दू है तो उर्दू करेगा, ठीक है, इस बात को समझना जरूरी है, ठीक है। और इसमें बाबू एक एग्जाम आता है सीवीटी का, सीवीटी इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, और इसका एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, टेस्टिंग टेस्टिंग नेशनल इसका फुल फॉर्म होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो कौन कराता है, एनटीए कराता है, ठीक है, इस बात को तो समझना जरूरी है, ठीक है। अगर एमए हिस्ट्री अगर क्वालिफाई कर लेते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, इसमें भी प्राइवेट कॉलेज रहती है, लेकिन प्राइवेट को छोड़ो ना यार, तुम गवर्नमेंट की तैयारी करो ना, गवर्नमेंट अगर निकल जाती है, जैसे कहने का मतलब है कि दिल्ली में जेएनयू मिल गया आपको, ठीक है, जेएनयू दिल्ली वाला, जेएनयू मिलिया इस्लाम, ठीक है, इसमें अगर आपको जेएनयू मिल गया और आपको हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर बनारस वाला मिल गया ना, हिंदू यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बनारस अगर मिल गया ना, तब सबका लाइफ चेंज होगा, ठीक है, तो आप सब सोचिएगा कि मुझे गवर्नमेंट मिले, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल जाए और जेएनयू मिल जाए, अच्छा अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाए, ताकि आप सबका रूल चेंज हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जितना मुसीबत आएगा ना, तो आप सब साल भर के अंदर टोटल धूल में मिला दोगे मुसीबतों को, लेकिन पढ़ाई करोगे तब ना बाबू। जो रात दिन मैं एक मोटिवेशन आप सबको दे रहा हूँ, पहले बात को समझना कि जो आज बेचारा किसी कारण हर कोई नहीं चाहता है कि हम पढ़ाई ना करें, हर कोई नहीं चाहता है, किसी ने नहीं चाहता है कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हर कोई हर किसी के सपना होता है कि हम पढ़ाई करेंगे और अच्छे बनेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम यही रहती है कि घर की स्थिति और बच्चों की कंडीशन सब पैसे कराता है, ठीक है, तो पैसे के कारण बेचारा बाहर चले जाता है और कमाने लगता है। जो बच्चा 12 घंटा मेहनत करता होगा तो उन्हें 12,000 सैलरी दी जाती होगी, 12,000 महीना कमाता होगा तो 12,000 सैलरी दी जाती होगी, तो बताओ कि 12,000 सैलरी में उनके रूम रेंट, बिजली बिल, खान पान और मोबाइल का प्लस में रिचार्ज भी कराना होता है, ठीक है, और अपने पास कुछ रखना भी होता है और उनके माता पिता को भी भेजना होता है, तो बताइए कि उनको कितना पैसा भेजना पड़ेगा और कितना पैसा बेचारा बचाता होगा। आज मैं आप सबको इसके बारे में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ, बहुत दुख दर्द मैंने देखा है अपने ज़िंदगी में, और बहुत देखा है और सुना भी है, और हमसे बहुत बच्चा ने कहा है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ें है जो कि पूरी ज़िंदगी को बदल सकती, और कमाना एक ऐसी स्थिति है कि ज़िंदगी भर कमाते रहो फिर भी कुछ होने वाला नहीं, तो पढ़ाई एक सरस्वती को कभी मत छोड़ना। आज मैं आपको बता रहा हूँ,
देखिए बारह घंटा का सैलरी अगर 15,000 मान कर चलो, 12 घंटा के सैलरी अगर हम 15,000 मान कर चलते हैं, 12,000 तो मिलता है लेकिन 15,000 मान कर चलो ना मेरे दोस्त, 15,000 मान कर चलते हैं 12 घंटा का सैलरी, ठीक है। उनका रूम रेंट पहले बात को समझ लेना, रूम रेंट आपको कम से कम 3,000 देना होता है, सिंगल के लिए मैं बात बता रहा हूँ, रूम रेंट 3,000। खान पान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 3,000, ठीक है। बिजली बिल आपको 150, ठीक है। इसमें रिचार्ज आपको 250, ठीक है। अब इसको जोड़ो कितना हुआ, 3,000 है, 6,000 है, 250 और 50 कितना हो, 300, 400, 6,400 यानी 6,400। देखिए एक गरीबों का मैंने दर्द कहानी बता रहा हूँ, द सक्सेस इन स्टोरी, स्टोरी इन द सक्सेस, ठीक है। इस बात को जरूर समझना मेरे दोस्त कि गरीबी इतनी रुलाती है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा, गरीबी इतनी रुलाती है किसी ने आज तक सोचा भी नहीं होगा, हंसी इतनी उड़ाती है भाई किसी ने रोया भी नहीं होगा, हंसी ने इतना भी हंसाया होगा कि किसी ने देख कर रोया भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अमीर होता है ना मेरे दोस्त, एक गरीबों को देख कर इतना हंसी उड़ाता है ना तो बेचारा उनका हंसी देखकर भी वो रो पड़ता है कि खासकर आज मेरे भी मेरे पॉकेट में पैसा होता तो आज मैं भी इनके जैसा होता, ठीक है। खासकर इनके पास जितना पैसा है वो उतना मेरे पास भी होता तो आज मेरे भी बात उतना ही आता जिनका इनके बात आ रहा है, ठीक है। तो देखिए एक 12 घंटा काम करने वाले मजदूर की कहानी, वो 15,000 सैलरी कमाता होगा तो रूम रेंट 3,000, खान पान 3,000, बिजली बिल 150, रिचार्ज 250 मंथली में कराता होगा तो टोटल लेके 6,400, और बच कितना मिलता है 15,000, अगर 15,000 में कह दें 10,000 6,400 86,000। देखिए घर पे कितना भिन्नता होगा, 86,000 यानी मान कर चलो कि 8,000 रुपया, 600 रख लो कि रोग दुख इसमें सब है ना मेरे दोस्त, अपना पॉकेट में 600 रुपये नहीं रखेगा, 8,000। एक साल का कितना हुआ, एक मंथ यहाँ पर लिखो कि एक मंथ में जब 8,000 हो गया तो 12 मंथ में कितना हो गया, 12×96 96,000। एक बात बताओ, जो बच्चा अगर अच्छा से पढ़ाई कर बाहर गया है, उनके पास वन ईयर में अगर 2 से 2.5 लाख रुपया नहीं बच रहा है और 1 लाख रुपया बेचारों कमाता है तो उनकी घर की स्थिति कैसे चलेगी, घर कैसे बनाएगा, तो बहुत एक दर्द कहानी है। मैं इसको बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं छोटा सा एक वीडियो में बताना चाहता हूँ इस बात को समझना कि बच्चा आप सब पढ़ाई करो, जो 12 घंटा बच्चा पढ़ाई करता है अगर 12 घंटा तू यहाँ घर पे पढ़ना तो तेरे से कोई हाथ नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, हाथ जोड़ी यही है कि तुम सब पढ़ाई करो अच्छे से। मैंने गरीबों को बहुत अभी इतनी ही उम्र में बहुत गरीबों को देखा है और बहुत गरीब इतना रोया है, इतना रो भी रहा है कि हम कुछ कह भी नहीं सकते। ये जो सरकार चल रही है ये कंस की है, कंस की तरह सरकारी चल रही है, गरीबों की कोई सेवा करने वाली नहीं है मेरे दोस्त। आप सब अच्छे से पढ़ाई करो और गरीबों की ओर ध्यान दो ताकि मुझे जिस प्रकार से ये सर ने मुझे समझाया है उसी प्रकार से आगे बढ़कर मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ। जो फौजी ने धरती माँ की सेवा करना चाहता है उन फौजियों की एक इंच कम हो जाता है मेरे दोस्त तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, वही फौजी उस धरती माँ के लिए अपनी जान की नौछार कर देता है
फिर भी वो सोचता नहीं है कि मैं क्यों अपनी जान को बलि दे रहा हूँ। फिर भी उस सरकार में एक इंच कम हो जाता है, एक किलो वजन कम हो जाता है, थोड़ी सी हाइट में कमी हो जाती है, चेस्ट में कमी हो जाती है, मेडिकल में थोड़ा सा डिफॉल्ट आ जाता है तो उन्हें बाहर कर दी जाती है। वही बच्चा ने, वही बच्ची ने आज बलिदान दे देता है देश को बचाने के लिए। फिर भी ये सरकार कंस की सरकार है, ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरे दोस्त, आप सब पढ़ाई करो और कृष्ण जैसे सरकार चलाओ। ठीक है, सरकार एक ऐसी नीति बनाओ ना कि हर घर के बच्चा पढ़ाई करे, सक्सेस हो, अपने बल पर कमाए। ठीक है, लेकिन जो आजकल के नेता मदारी है उसको अपने आप के लिए चिंतित रहता है कि मैं हूं तो सब है, लेकिन ये भी वो नहीं जानता मेरे दोस्त कि आज मेरे पास 5 अरब है। कितना है? 5 अरब। आज मेरे पास 5 अरब है, एक गरीब के पास 500 रुपया भी नहीं है, 500 रुपया नहीं है। एक अमीर के पास 5 अरब है, एक गरीब के पास 500 रुपया अगर घर में खोजिएगा नहीं मिलेगा। तब बताओ कि दिन पर दिन वो बेचारा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनकी खुराकी कैसे चलेगा? आज कमाता होगा, अगर मान कर चलो कि 250 रुपया आज मजदूरी कर कर कमाया है तो 100 रुपये यानी 150 के, यानी मान कर चलो कि 50 से 60 रुपया 50 रुपये के चावल खरीद लेगा। ठीक है, 100 रुपये के सब्जी खरीद लेगा। जिनका 3 से 4 बच्चा है छोटी छोटी, तो उनके लिए लगेगा ना, सब्जी खरीद लेगा। कितना बचा? 150। कितना बच गया? 100 रुपये। 150 खत्म, 100 रुपये बच गया। ठीक है, 100 रुपया बचेगा अगर महीना में रखेगा 30 दिन, तो 3000 अगर मान कर चलो कि रोग दुख आ गया, तो वो 3000 कहाँ चला गया? क्लास कैंसिल। बताओ कि उनके पास कहाँ पैसा बचा यार? फिर अगर रोग आ गया तो बिना पैसे के लिए तड़प जाता है। हे मेरे दोस्त, आप सब अच्छे से पढ़ाई करो और आगे देश को तुम्हें सब के लिए बनाना है। इन सब भ्रष्टाचार को सफा दूर करो। जय हिंद, जय भारत। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ और मेरे पास उतना समय भी नहीं है, फिर भी मैं आप सबके लिए समय इतना निकल कर बनाया है। लेकिन मुझे सपोर्ट करो कि आगे आने वाले समय में ये सब सरकार मनमानी नहीं चलेगा, अपमानी भी नहीं चलेगा, ये सब सरकार गरीबों की बातों से चलेगी। जय हिंद।